होंडा की भारतीय बाजार में बहुप्रतीक्षित कार नई होंडा सिटी का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। नई होंडा सिटी देश में 15 जुलाई को लॉन्च होगी। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में आएगी। इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू हो गई है। होंडा की वेबसाइट या डीलरशिप से न्यू जनरेशन सिटी को बुक किया जा सकता है। नई होंडा सिटी मौजूदा प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि ये कार पहले के मुकाबले हल्की और ज्यादा सुरक्षित है। कार का लुक भी पहले से अलग है। नई होंडा सिटी अलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी के साथ आने वाली भारत में पहली कनेक्टेड कार होगी। पेट्रोल इंजन की बात करें तो न्यू जनरेशन होंडा सिटी में BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 121 BHP की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन दिए गए हैं। इसका माइलेज मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 17.8 किलोमीटर और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 18.4 किलोमीटर प्रति लीटर है। डीजल मॉडल में 1.5 लीटर इंजन मिलेगा, जो 100 BHP की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लेस है। डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं है। इसका माइलेज 24.1 किलोमीटर प्रति लीटर है। नई होंडा सिटी के फीचर्स में वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और वेबलिंग कैपेबिलिटी के साथ 8.0 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRVM, रियर व्यू मिरर, पेडल शिफ्टर्स, रियर सनशेड, एम्बियंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री के साथ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, रिमोट इंजन स्टार्ट, LED हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और हैंड्स फ्री बूट रिलीज जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, होंडा लाइन वॉच कैमरा, रियर पार्किंग कैमरा और ऑटो हेडलैम्प्स और वाइपर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।